वालेकुम दोस्तों। और क्या हाल है? सब खैरियत? मैं ठीक हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ आप लोग भी सब खैरियत होंगे। अब जा रहे हैं हम, आज जुमा अलविदा है, और अल्लाह पाक अलविदा के जो रमज़ान मुबारक अलविदा के सदक़े में आप सबकी दुआएं पूरी करें, कबूल करें, और इस करोना वबा से अल्लाह से आप सब भी दुआ करें कि अपने हिंदुस्तान, प्यारे वतन हिंदुस्तान, और तमाम मुल्क की हिफाजत करें, तमाम मुसलमानों की, गैर मुस्लिम सबकी हिफाजत कर रब्बुल आलमीन। और आज मेरी 5वीं ईद है सऊदी अरबिया में, और अब हम जा रहे हैं मस्जिद जो पास में ही है मेरी। ओके, तो चलते। यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट ने कर रखा है कि नमाज सारी मस्जिदें खोल रखी है, बस ये है कि अपने साथ में आपकी जानमाज होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस। बाकी हर वक्त की नमाज मस्जिद में होती है, अलहमदुल्ला। ईद की, ईद अल फित्र की, सब नमाजें मस्जिद में हो रही हैं। कोरोना की वजह से कोई ऐसा वो नहीं है हिंदुस्तान की तरह। बस ये है कि अपना ये जा नमाज साथ में ले जाए, मास्क होना चाहिए, और आप डिस्टेंस पर रहना चाहिए। ओके, चलते हैं फिर। मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में ये चीज़ अलाउड नहीं है कि वहाँ पर अंदर की वीडियो बनाएं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर किसी टाइम और वक्त में दिखाऊंगा। ओके, तो दोस्तों अब अल्हम्दुलिल्लाह जुमा अलविदा हमने अदा कर ली है। अब आपको थोड़े बहुत यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, जो बड़े ही दिलकश नज़ारे हैं। कई बीचेस हैं यहाँ पर, बीच से हैं, बहुत बहुत पास ही में हैं, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये जो जुबेल अल जुबेल है ना सर, ये बिल्कुल एक टापू पर बसा है। इसके तीन साइड समंदर है, एक साइड रोड है बस, ठीक है। चलते हैं, अब आपको बीच सिखाते हैं जुबेल फनातीर। ओके, यह है समंदर बीच, और ये फनातीर का बेस्ट बीच है, बढ़िया बड़ा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर बच्चों का ये प्ले एरिया उधर बना हुआ है, छोटे बच्चों का, सामने देख सकते हो आप। मिडिल ईस्ट में नंबर वन सिटी है ये, सऊदी मिडिल ईस्ट नंबर वन सिटी है। इस टाइम रमज़ान चल रहे हैं तो दिन में तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, ज़्यादातर ईशा के बाद ही आपको, आम डेज में भी ईशा के बाद ही आपको लोग यहाँ पर मिलेंगे। मुझे बहुत ही पसंद है ये जगह, ये आपको सेम दुबई बीच गया। ईशा के बाद ही यहाँ पर पार्टियाँ चलती हैं। यहाँ इन लोगों ने मस्जिद के लिए, देखिए छोटी ये जो है ना, नमाज का टाइम होता है तो इन्होंने स्मॉल मस्जिद बना रखी है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैंडल घुमाएंगे, इसके अंदर जानमाज निकल आएगी, हैंडल घुमाएंगे जानमाज लंबी सी निकल आएगी, जितनी लंबी चाहते हैं, यहाँ पर इतना रोल बना हुआ है, और उसके बाद हैंडल घुमाएंगे जानमाज के अंदर हो जाएगी। पानी से भी सेफ, और धूप से भी सेफ, हर चीज़ से सेफ, क्योंकि एयर कूल्ड है ये सिस्टम, इन्होंने एयर कूल्ड कर रखा है। जानवाज के लिए हैंडल लगाए, हैंडल घुमाएंगे आप, ये जानवाज नीचे से निकल जाएगी, इसका लॉक खोलेंगे, जानवाज ऑटोमेटिकली रोल निकलता चला जाएगा। इसमें लोगों को दिक्कत नहीं है कि यहाँ भी इन लोगों ने जानवाज कालीन की व्यवस्था कर रखी है। देखो हवा चल रही है बहुत तेज, आगे ये स्कूटर ड्राइविंग वो शिप खड़ा हुआ है, साइड पे चलते हैं। यहाँ से जो लोग, जिनके अपने पर्सनल शिप हैं, पर्सनल बोर्ड है, वो यहाँ लाते हैं, ये ट्रॉली खड़ी भी है, इन पे ट्रॉली यहाँ से उतर जाती है वो शिप, ठीक है ना।
यहाँ पर स्विमिंग का बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि डेंजरस एरिया है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर शिप में जो पर्सनल बोट होती है लोगों की वो जाती हैं। ये देखिए इन्होंने एरिया लगा रखा है, ये नो स्विमिंग डेंजरस एरिया, क्योंकि यहाँ पर इंसान का क्या है, यहाँ पर वेल वगैरह आती रहती हैं, कभी मछलियाँ बड़ी आती रहती हैं इस एरिया में, क्योंकि स्विमिंग एरिया इन्होंने अलग कर रखा है, आगे कर रखा है। और वो आप आगे देख रहे हैं शिप खड़ा हुआ है, ये शिप है, यहाँ जिसकी पर्सनल बोट वगैरह होती है ना वो लेके आता है, ये ट्रॉली खड़ी है, पर्सनल बोट इस पे आती हैं और यहाँ से ये लोग अपने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, आगे आपको वो शिप दिखाते हैं, तो आगे चलते हैं, आगे आपको ये शिप दिखाते हैं। अरेंजमेंट कर रखा है, यहाँ पर फैमिलीज आती हैं और बढ़िया करके एंजॉय करती हैं, पार्टी शार्टी चलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी क्लीनिंग है, क्लीनिंग में नंबर वन है ये एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ के रोड वगैरह और बीचेस, ये ग्रीन वगैरह घास वगैरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, घास उस जो भी पार्क वूर का इन्होंने ऐसे मेंटेन करे रहते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर हर टाइम लगी रहती है इसे पार्क मेंटेन करने के लिए, रोड की सफाई फाई, ये रोड की सफाई वफाई, पार्क की डस्ट, देख सकते हैं आप इसमें तक कचरा नहीं मिलेगा, कचरे ना क्लीन के मामले में बोलते नहीं, क्लीनिंग क्लीनिंग के मामले में वाकई में सुन दिया जाता है। ये हमारी कार है, ये देखो पार्किंग के लिए इन्होंने सब जगह ये पार्किंग स्पॉट ऐसा बना रखा है कि आप इसी लाइंस के अंदर ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अगर आपके लाइंस के आउट होएगी तो आपका ये मुखालफा दे देंगे 150 रियाल का, 150 रियाल मुखालफा जाएंगे, दो लाइनें पड़ी हैं इसी के बीच में पार्क करना आपको। ये अब हम पार्किंग से निकल गए और आगे के लिए चलते हैं, यहाँ शाम को पार्किंग नहीं मिलती है दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंग बहुत दूर लगाना पड़ती है। देख रहे हो आप क्लीनिंग के मामले में नंबर वन, जैसा ये चैलेंज करते हैं ना कि हम क्लीनिंग है, वाकई में ये अमेरिका ज़्यादा यहाँ क्लीनिंग रहती है, यहाँ के रोड बिल्कुल A1 मिलेंगे आपको, पेड़ उड़ रख रखाव के लिए मतलब हर टाइम लेबर काम करती रहती है, यहाँ पर कॉफ़ी शॉप वगैरह है, यहाँ पर हर जगह मिनी मिनी मस्जिद मिलेगी आपको, ठीक है ना, वॉकिंग एरिया मिलेगा, ये गार्डन देख रहे हो बढ़िया करके गार्डन है, सब जगह अच्छी चीज मेंटेन करके रख रखा है इन लोगों ने। इस टाइम तो ये पब्लिक नहीं है ना बिल्कुल, शाम के टाइम पे तो बहुत ही रश होता है यहाँ पर, शाम को तो हम आते आ भी नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो जाती है यहाँ पर, शाम को हर जगह पुलिस के लोग खड़े रहते हैं, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आप बास्केटबॉल का प्ले ग्राउंड है, ये शाम को लोग प्ले बास्केटबॉल खेलते हैं, सी क्लब है, ये एड्रेस वुमेन सेंटर है, अलसरदा वुमेन सेंटर, यहाँ पर सब लेडीज लोग आते हैं, किट्टी पार्टी वगैरह चलती हैं, इसके अंदर नो एंट्री है। ये देखें दोस्तों ये जो शिप खड़े हैं ना, ये ऑयल लेने आए हैं यहाँ पर, ये यहाँ से ऑयल लेने आते हैं, ऑयल ट्रांसफर होता है, ये आगे उस साइड पे तेल के कुएं हैं, यहाँ से ऑयल लेने आते हैं शिप। आपका सी क्लब, यहाँ पे गोल्फ वगैरह खेले जाते हैं, ठीक है ना, प्लेस बना रखा है, सारा समुद्री एरिया है, यहाँ पर स्कूटर ड्राइविंग होती है सब, यहाँ पर जो ड्राइविंग है ना दोस्तों ये अपनी लाइन के अंदर ही करना होती है,
ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वुमेन अल साद सदफा वुमेन सेंटर है, इन्होंने स्पेशल एक और लेडीज के लिए बना रखा है, उनके एंजॉयनिंग के लिए इसमें हर फैसिलिटी है। ये दोस्तों यहाँ की सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल मस्जिद, हालांकि कई और भी हैं, मगर मुझे कुछ ज़्यादा ये बेहतर इसलिए लगती है कि ये बिल्कुल समंदर के नज़दीक है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर। ये इसके आगे इन्होंने शिप खड़ा कर रखा है जो पहले के टाइम में चलती थी। नाउ बेस्ट ब्यूटीफुल मस्जिद है, बहुत ही अच्छी लगती है। और इतने बड़े बीच में बनी होती है, इतने बड़े में तो हमारी ईदगाह नहीं होती जितने बड़े में यहाँ पर ये स्मॉल मस्जिदें होती हैं। मस्जिद है यहाँ की दोस्तों, कितनी प्यारी मस्जिद है, ये सब मस्जिद की जगह है। टोटल वो नमाजी बाहर निकल रहा है नमाज पढ़कर, क्योंकि नमाज हो गई है बाद में सऊदी लोग ज़्यादातर वक्त जो है वो मस्जिद को अंदर बिताते हैं, ज़्यादातर जुमे के दिन मस्जिद के अंदर वक्त बिताते हैं। देख सकते हो हर चीज में क्लीनिंग होती है, क्योंकि बस यहाँ पर यह है ना मस्जिद के अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो चक्कर में सर दोस्तों मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ, और कभी नेक्स्ट टाइम कोई वक्त ऐसा हुआ है जो मैं आपको अंदर के मस्जिद के अंदर की वीडियो बना के। ये रॉयल कमीशन है दोस्तों, यहाँ पर सब सऊदी के जितने रॉयल है ना वो सब यहीं रहते हैं इस सिटी में, क्योंकि मिडिल ईस्ट नंबर वन सिटी है ये, वो सारे ही जो इसमें रॉयल हैं यहाँ के मतलब सब लोग रॉयल ही रहते हैं इसमें। कैसे बीचेस हैं यहाँ पर, बहुत बीचेस हैं, अभी तो मैंने आपको एक ये दिखाया, यहाँ पर कई बीचेस हैं अलगल दहरेन फ्रूज, तो इंशाल्लाह फिर बाद में वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो आप बढ़िया बढ़िया ये विले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।